आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी के इस फेसबुक लाइव पर। लगातार हम भिलवाड़ा की जनता, भिलवाड़ा के प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के, जहां पर कहना है भिलवाड़ा में सभी लोगों का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन फिर भी 12 उम्मीदवार हैं, जिसमें वो 3 उम्मीदवार भी हैं जिनकी हर जगह चर्चा है। तो ऐसे ही 9 और उम्मीदवार हैं जो भी मैदान में है, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। और ऐसे ही एक निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश जी हमारे साथ है, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। जी कमलेश जी, बताइए क्या कारण है कि आप इस बार चुनाव के इस मैदान में उतरे हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस ही चुनाव अक्सर लड़ती है। सर, मेरा कहना है कि भिलवाड़ा में विगत 20 वर्षों से बीजेपी का राज है, पर यहाँ पे भिलवाड़ा में विकास कहीं पे नहीं हो पाया है। और मैं जो चुनाव में खड़ा हूँ, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, भिलवाड़ा का चहुमुखी विकास। और मेरे विकास के जो मेरे मुद्दे हैं, मेरे ये 30 मुद्दे हैं, यदि मुझे यहाँ की जनता, भिलवाड़ा की जनता यदि मुझे मौका देती है सेवा का, तो मैं भिलवाड़ा के ये 30 मुद्दे हैं उसको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके पूरा भिलवाड़ा का चहुमुखी विकास कराऊंगा। इसके अलावा भी और भी कोई मुझे किसी तरह की कोई समस्या बताएगा या किसी तरह का विकास संबंधी कोई भी मैटर बताएगा, तो मैं उसमें भी पूरा ध्यान केंद्रित करके भिलवाड़ा का विकास करूंगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है विधानसभा चुनाव लड़ने का, कि भिलवाड़ा का अच्छे से विकास हो सके, जो कि पिछले 20 वर्षों से नहीं हो पाया है। आपको क्या, मुझे आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे, जब सारी बातें सिर्फ 3 लोगों को लेकर केंद्रित हो रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? जब मीडिया में भी सिर्फ 3 लोगों की बातें होती है, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? सर, एक्चुअल में क्या, मीडिया वालों ने मुझे नेगलेक्ट किया है, जबकि मैं एक प्रबल दावेदार हूँ, जीता उम्मीदवार हूँ, लेकिन भिलवाड़ा की जो मीडिया है वो मुझे किसी तरह का कोई कवर नहीं दे रही है। तो आप लोकवाणी अखबार वाले का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया भिलवाड़ा की जनता से रूबरू कराने का और अपनी बात को रखने के लिए। क्यों लगता है कि आपको, कि आपको लोग जिताए? आपने कहा चहुमुखी विकास करेंगे, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं पिछले 15 साल में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हुआ है, यानी कि बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हो पाया है भिलवाड़ा का। और मेरे विकास के जो 30 मुद्दे हैं, जो मैंने अपने होर्डिंग लगा रखी यहाँ पे, यहाँ पे लगा रखा मैंने अपने एक होर्डिंग, एक मैंने लगा रखा एमजी हॉस्पिटल के यहाँ पे होर्डिंग, उन होर्डिंग के अंदर भी मैंने अपने 30 मुद्दे लिख रखे हैं। और 2 मिनट का यदि आपको समय दे पाओ तो मैं 30 में से 5 मुद्दे में बोल के बता देता हूँ, मुद्दे में आपको बोलूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जहाँ पर पार्टियां हैं और जहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट में बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं भिलवाड़ा में, दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन पार्टियों के बजट के सामने आप अकेले कैसे लड़ रहे हैं? सर, बजट कुछ भी नहीं होता है, मेरी बात सुनिए, आदमी का अपने आप आ जाएगी इसमें बोलने की जरूरत नहीं। आप मुझसे बात करिए, बजट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जनता को एक ही चीज चाहिए कि ऐसा उम्मीदवार हो जो भिलवाड़ा का विकास कर सके और जिसके मन में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार और किसी तरह का मतलब गलत भावना नहीं हो, कि मतलब पद पर आने के बाद जनता से रूबरू नहीं होते। हमारे यहाँ के जो भी दावेदार हैं, विक्रम शंकर अवस्थी जी जो पिछले 15 साल से जीत रहे हैं, उन्होंने भिलवाड़ा का कुछ भी कहीं कहीं कोई विकास नहीं किया और यहाँ की जनता में इसमें भारी विरोध है। मुझे ऐसे 3 काम बता दीजिए, प्रमुख काम, कि अगर आप बन जाते हैं कि आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, कि अगर आप इस क्षेत्र के एमएलए बन जाते हैं तो कौन से 3 काम आप सबसे पहले कराते हैं? सबसे पहला काम तो अपने अजमेर में जो अपने रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक यहाँ और भी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक चंबल का पानी जो कॉलोनी में नहीं पहुंच पा रहा है, और वैसे काफी समस्याएं हैं भिलवाड़ा की, जो कोई भी समस्या में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। और हमारे यहाँ भिलवाड़ा में जो राजनीति होती है केवल धर्म की राजनीति होती है, जबकि मेरा ऐसा सोच है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, न कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। और अभी भी जो कैंडिडेट जो खड़े हैं वो केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं और एक जातिवाद, जो जाति की राजनीति करते हैं हमारे यहाँ पे, इस जाति का है तो उसको सपोर्ट करो, उस जाति का तो उसको सपोर्ट करो, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य केवल भिलवाड़ा का विकास, और सभी जाति धर्म संप्रदाय सभी मेरे लिए समान है, सभी को साथ में लेकर भिलवाड़ा का विकास करना चाहता हूँ। मेरा सीधा सवाल है कि आपको क्या लगता है कौन बड़ा है पद में, कलेक्टर या विधायक? आपको क्या लगता है इस बारे में? दोनों का अपना अलग महत्व है सर, कलेक्टर का अपना अलग महत्व है, विधायक का अपना अलग महत्व है। तो अब ये जो वर्तमान विधायक है, उनका कहना है कि उन्होंने ओवरब्रिज अंडर जो बात कर रहे हैं आप, वो भी उसके लिए भी काम करा दिया और चंबल परियोजना भी उन्होंने पहुंचा दी, तो अब उसमें आप क्या करेंगे? सर, चंबल का जो योजना तो आ गई, लेकिन कॉलोनियों में जो निजी कॉलोनियां हैं और जो प्राइवेट कॉलोनियों में, हर कॉलोनी में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया उनका। क्या कारण है आपके अनुसार कि क्यों नहीं पहुंच पाया? यहाँ के एमएलए जो भिलवाड़ा के जो सारे अपने सारे जो भी मेरे पास हुए भिलवाड़ा में, जो भी अपने जो भी मतलब जिला प्रमुख है वो भी अपने बीजेपी का है, और अपने यहाँ का जो चेयरमैन है नगर परिषद का वो भी बीजेपी का है,
और अपने यहाँ के जो सांसद साहब है वो भी बीजेपी के हैं, और अपने यहाँ के विधायक साहब वो भी बीजेपी के हैं। सब बीजेपी के कैंडिडेट होने के बावजूद भी यहाँ पे बुलवाड़ा में किसी तरह कोई भी विकास नहीं है। तो फिर कांग्रेस तो कहती है कि चंदन परियोजना वो लेकर आई, आपके और बीजेपी लेकर आई, तो बीजेपी नहीं लेके आई है सर, योजना को सीपी साहब लेके आए हैं बुलवाड़ा में, चंदन योजना वो गलत है, इसका मतलब लेना चाहते हैं मतलब इसका क्रेडिट। तो यार बीजेपी काम कैसे कराएगी, जब कांग्रेस बीजेपी कैसे काम कराएगी ये कहना चाहता हूँ। नहीं तो बीजेपी के तो मेरे पास जैसे योजना पास हो गए सब पे देखे, तो ये कॉलोनी में जैसे पानी पहुंचाने का है वो तो काम है बीजेपी जो प्रेजेंट में एमएलए वही कराएगा ना, और कौन कराएगा? जैसे जी कॉलोनी में पानी पहुंचाना सारी, जिन जिन कॉलोनी में पानी नहीं पहुंच पाया अभी तक वो कौन पहुंचाएगा? चलिए अच्छा एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि भिलवाड़ा में एक नियम है, आप एक दुकानदार भी है, जानना चाहूंगा कि भिलवाड़ा में नियम है 10 बजे प्रतिष्ठानों को बंद कर देने की, उसको लेकर आपकी क्या व्यूज है, क्या ये सही है? वैसे सर मेरे हिसाब से 11 बजे तक का टाइम तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सीटें हैं उनमें सभी जगह 11 बजे का टाइम है। यदि किसी तरह की कोई मतलब सांप्रदायिक मतलब अहिंसा हो या हिंसा हो, ऐसा कोई माहौल यदि खराब हो तो उस टाइम कलेक्टर साहब चाहे तो 10 बजे तक रख लें, जब शांत माहौल हो तो 11 बजे तक रखना चाहिए मेरा जहां तक विचार है। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर सर मेरा 36 नंबर वार्ड है। और आपको क्या लगता है आपके वार्ड में कैसा काम हो रहा है? हमारे वार्ड के पार्षद बहुत अच्छे हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वो 24 घंटे अपने रहते हैं, उनको कहने की देर है और समस्या निदान हो जाती है। अच्छा बहुत अच्छी है प्रत्याशी हमारे आगे जो पार्षद है निर्दलीय है सुशीला जैन है, वो आपको लगता है काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, हम कॉलोनी वाले बहुत खुश हैं उनसे सर। चलिए अच्छा अब आप कुछ बताना चाह रहे थे आपकी कुछ? हाँ। सर मेरी जो समस्या है बुलवाड़ा से जो मैंने अपने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबसे पहला मुद्दा है अजमेर की पुलिया को चौड़े का विस्तार करवाऊंगा जिससे आमजन के लिए आवागमन सुचारू रूप से चल सके। दूसरा मुद्दा मेरा यह है गंगापुर चौराहे पर उसकी रेलवे फाटक बंद होने पर आवागमन को सुचारू करने के लिए एक फ्लाई ओवर बनाऊंगा ताकि बुलवाड़ा में आवागमन सुचारू रूप से चल सके। तीसरा मतलब है मेरा बुलवाड़ा की ट्रैफिक लाइट जो काफी समय से बंद है उसको मैं चालू करवाऊंगा और जहां लाइटें नहीं लगी हुई वहां पर भी लाइटें बंद है। बुलवाड़ा की शहरी जीव बोलने में चंद्र का पानी नहीं पहुंच पाया है, उन बोलने में चंद्र का पानी पहुंचाऊंगा। चलिए आपने और बुलवाड़ा में जो हमीरगढ़ की जो हवाई पट्टी है उसको मैं विस्तार करके हवाई अड्डा बनाऊंगा उसको राष्ट्रीय लेवल का। अब ऐसे 30 मुद्दे हैं बुलवाड़ा के, 30 मुद्दे मैंने जो अपने आपको क्या लगता है कि ये सारे काम एक विधायक करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है सर, देखिए सजग विधायक होगा वो करा सकता है, जो एक निर्दलीय विधायक होगा जो विधानसभा में जाएगा मेरे पास। हमारे यहाँ के विधायक हमारे यहाँ के जो विधायक है विक्रम चंद्र अवस्थी जी वो विधानसभा में बुलवाड़ा का कोई भी कभी कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, जैसे कोई बुलवाड़ा में किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। मैंने शायद उनका 15 साल में शायद एक या दो भी ऐसा कोई स्पीच नहीं देखी जिसमें विधानसभा में उन्होंने कुछ बोला बुलवाड़ा के लिए कुछ भी। आपको क्या लगता है विधायक को कितना फंड सरकार की तरफ से मिलता है? विधायक को सर विधायक कोटे से 5 करोड़ मिलते हैं जो मैंने अपने मुद्दे में लिख रखा है, कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए। इसका कारण ये है सर मेरी बात सुनिए, जब जिस गवर्नमेंट की जो एमएलए होता है तो उसका तो फंड आराम से पास होता है, तो एमपी गवर्नमेंट का यदि किसी जिले में या किसी मतलब विधानसभा में कोई एमएलए बनता है तो उसको फंड पूरे तरह से दिया नहीं जाता है विकास का, तो कम से कम एक एमएलए को इतना फंड तो मिलना चाहिए कि वो अपने विधानसभा में अच्छे से विकास कर सके। गवर्नमेंट की बात करी तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो किसके समर्थन में जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, जो समय होगा उसी के हिसाब से बोलूंगा। अभी तय नहीं कर पाए आपको लग रहा है जीत नहीं पाऊंगा? नहीं जीतूंगा नहीं, मैं ये तो शोर है जीतने मेरी तय है, लेकिन इसके लिए अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, जो समय होगा नहीं बोलूंगा मैं। चलिए तो आप मतलब वो मलाईदार नेता बनेंगे जिसकी पार्टी से मलाई जाए? नहीं ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई मेरे दिमाग में ऐसा भी कुछ भी नहीं है, जो मतलब पार्टी जो भी पार्टी विकास के लिए आपको मंत्री पद देगी। हाँ सर जो मंत्री पद देगी ऐसा भी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, ऐसा मेरा कोई दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के जो पार्टी विकास के लिए भिलवाड़ा के विकास के लिए जो पार्टी तैयार होगी उसी के साथ पार्टी के साथ मैं लगूंगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने। यदि वो विकास के लिए भिलवाड़ा के विकास के लिए तैयार नहीं है कोई पार्टी जिसकी सरकार बनती है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। चलिए तो ये थे कमलेश जी मंडोगरा जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं भिलवाड़ा की विधानसभा सीट से, अपनी 30 मांगों को लेकर ये जनता से कह रहे हैं कि वो इन्हें जीत दे, और इनका कहना है कि ये भिलवाड़ा से जीत रहे हैं और भिलवाड़ा के सभी कामों को जल्द पूरा कराएंगे। कैमरे के पीछे का अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी।